हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर और मिसेस शर्मा। तो यहाँ पे हमारी सुबह हो चुकी है और मैं स्नान कर ली हूँ और पूजा कर रही हूँ। तो ये मैं आप जल चढ़ा सूर्य भगवान को मैं जल चढ़ा करके यहाँ मैं सारे मंदिर में जितने भी भगवान जी हैं मैं उनको अच्छे से साफ कर ली हूँ और फिर मैं इनकी भोग की थाली लगा दी हूँ। और ये हमारा मैं दिया जला रही हूँ, दिया जला करके मैं आरती करूँगी और फिर हमारा यहाँ पे पूजा संपन्न हो जाएगा। जहाँ तक आप लोग को पता है घर में किसी को करना नहीं है तो मुझे करनी पड़ती है पूजा। अभी जस्ट मैं पूजा करके आई हूँ और अपना बाल बनाई हूँ, थोड़ा हल्का सा मेकअप की हूँ, तो आप लोग के साथ मैं शेयर नहीं की हूँ। तो अभी अब मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के लिए खाना बनाने, मतलब बना हुआ है उसको अच्छे से मैश लूंगी, मिला दूंगी, दाल चावल है और फिर मैं उसको खिलाऊंगी। तो चलिए तो यहाँ पे देखिए इसकी मौसी ने इसे दाल चावल बना करके रखी है। तो ये देखिए चावल जो है हम लोग कुकर में बनाते हैं तो इसको अच्छे से मैश लिए हैं चम्मच से या फिर करछुल से, अच्छे से इसको मैश दीजिएगा तो ये सारा अच्छे से गल जाएगा। और इसमें दाल मिला करके थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो ये दाल सोख लेता है और चावल गीला हो जाता है, तो मेरी बेटी इसको अच्छे से खा लेती है। तो जिन जिन के पास बच्चे हैं तो आप लोग भी ऐसे अपने बच्चों को खिला सकते हैं। दाल चावल, दाल रोटी काफ़ी हेल्दी भोजन है और अच्छा भी है ये सेहत के लिए। और एक चम्मच इसमें घी ज़रूर डालें ताकि खाने में बच्चे को टेस्टी लगे और जल्दी जल्दी वो खा लेते हैं। मेरी बेटी तो खा लेती है, आप लोग भी अपने बच्चे को खिला करके देखिए। तो अभी शाम हो चुके हैं और मैं सो गई थी तो बाबू को खिला के, और मेरी बाबू भी सो गई, मैं भी सो गई थी खाना खा करके। तो मैं वेज मोमोज बनाने जा रही हूँ क्योंकि जैसा मैं आप लोगों को बताई थी जो मेरी बहन लोग मम्मी लोग जो छौका नहीं लगाती है तो कुछ खाने का मन करता है, बट क्या करूँ मुझे अकेले बनाना पड़ता है, इस कारण मैं नहीं बना पाती हूँ। तो अब बाबू भी परेशान करती है इस वजह से नहीं बना पाती हूँ। तो वही मोमोज, तो इसमें तो कोई छौका वौका लगने वाला है नहीं, बस भूंजना है, फ्राई करना है, तो वो मैं कर लूँगी। और जैसा कि देखिए मोमोज का रेसिपी, मैं जा रही हूँ आज मोमोज बनाने, तो चलिए चलते हैं। ये छोटी जो है वो देखिए ले करके सारा बैठी हुई है बालकनी में और बना रही है। किचन का स्पेस थोड़ा छोटा है तो इस वजह से नहीं हो पाएगा, तो हम लोग सोचे चलो बालकनी में ही बैठ के बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बंधा गोभी लिए हैं और ये क्या है, शिमला मिर्च है, प्याज है, और गाजर है, लहसुन है, अदरक है और ये हरी मिर्च है। तो सारे को अच्छे से हम लोग इसको तो पहले हम लोग घस लेंगे और इसको काट लेंगे। देखिए बनाते हैं। सो गाइज, यहाँ पे हम दोनों बहनें मिल करके मोमोज बना रहे हैं, मैं घस रही हूँ और जो काटने वाला है वो मेरी छोटी बना काट रही है। और हम लोग बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे थे, वो अपने क्लास की बात कर रही थी, बता रही थी हाँ सर छुट्टी पे है, हम लोग का अभी जो है पढ़ाई बहुत पीछे जा रहा है, यही सब बातें हो रही थी। और मैं यहाँ पे घस रही थी, अच्छा भी लगता है साथ में बैठ के बातें करना और बातें करते करते काम करना। और सो हम लोग जब भी कुछ बनाना हो तो इसी तरह गप्पे मार मार के एक साथ बना लेते हैं तो पता नहीं चलता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ थोड़ा स्पीड कर दी हूँ, फॉरवर्ड कर दी हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हम लोग का घसने में लग गया था। तो चलिए इंजॉय कीजिए, आप लोग देखिए। तो यहाँ पे हमारा घस के सारा रेडी हो चुका है। ये गाजर है रेड वाली और बंदा गोभी है, देखिए मैं यहाँ घस के रेडी कर दी हूँ। और इसको जो पत्ता था उसको मैं मेही मेही काट ली हूँ। और यहाँ पे छोटी प्याज और लहसुन, अदरक और शिमला मिर्च को बारीक काट ली है और फिर सारे को मैं हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे।
तो प्याज थोड़ा थोड़ा सारे इसमें मिला लेती हूँ अच्छे से। और देखिए यहाँ पे जो है सारा मैं मिला ली हूँ, और लहसुन है ये, तो इस तरह से जब भी हम लोगों को कुछ खाने का मन करता है तो हम लोग इसी तरह से बना लेते हैं, तो अच्छा भी लगता है खाने में, और मार्केट से अच्छा हम लोग खा भी लेते हैं। मार्केट में जाते हैं तो हम लोग कुछ पैसे देते हैं और बस थोड़ा सा मन भी नहीं भरता, और घर पे खाना बना करके खाने में मज़ा आता है, यही थोड़ा मेहनत लगता है लेकिन खाने में भी तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो मैं भूंजने के लिए डाल दी हूँ, और नमक ये ऐड कर रही हूँ, सारा एक ही बार में मैं डाल दी हूँ, सॉरी मैं वो आप लोग को वीडियो नहीं दिखा पाई, तो यहाँ पे नमक अपने स्वाद अनुसार डाल करके और फिर इसको अच्छे से भूंज लूँगी, जो हरा हरा जो हलापन हो वो हट जाए, इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे हमारा फ्राई हो चुका है और देखिए कितना अच्छा प्यारा कलर आ चुका है, और इसमें से जो है वो थोड़ा सा मैं निकाल लूँगी क्योंकि इसमें मिर्चा नहीं डाली हूँ, तो बाबू के लिए मैं निकाल ली हूँ थोड़ा सा, और जो भी है इसमें मैं मिर्चा ऐड कर दूँगी क्योंकि हम लोग को तो तीखा ही अच्छा लगता है ना, बाबू है वो भी तीखा नहीं ना खाना चाहेंगी, तो इसलिए मैं सोची थोड़ा सा उसके लिए निकाल लेती हूँ। और उसी की फरमाइश से ये मोमोज बन रहे हैं क्योंकि वो मोमोज चिल्लाए जा रही थी मुझे मोमोज खाना है, तो इसीलिए दोनों बहनों ने मिलकर बनाया कि चलो उसको खाने का मन है तो बना ही लेती हूँ, हम लोग भी साथ में खा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा भुजा के रेडी हो चुका है, और फिर मैं यहाँ पे देखिए मैदा ले ली हूँ, ये 100 ग्राम से ज़्यादा ही होंगे, और मैं इसमें नमक ऐड कर ले रही हूँ, और फिर स्वाद अनुसार अपना नमक ऐड कर लीजिए आप भी। और फिर यहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से पानी का फुहारा देते देते इसको मैजेंगे, जैसे आटा गूंथते हैं वैसे ही मैदा को सानेंगे, ये गीला नहीं होना चाहिए, जैसे आटा गूंथते हैं वैसे ही गूंथना है इसको, तो यहाँ पे छोटी है इसको गूंथ रही है, तो इसको देखिए आटा गूंथ रही है, हल्का हल्का पानी दे दे के गूंथ रही है। हम लोग घर पे ही बना लेते हैं जब भी हम लोग को खाने का मन हो, चिकन मोमो तो नहीं बनाए हैं, पनीर मोमो और ये सब्जी मोमो, ये मतलब हम लोग घर पे ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिए आटा गूंथा गया है, और अच्छे से इसको गूंथ लूँगी, देखिए जो भी है उसको साइड साइड से मिला लेती हूँ, और मिला करके इसे अच्छे से गूंथ लेना है। और जब तक हमारा इधर आटा गुथा रहा है, आटा गुथा के मैंने रेडी हो चुका है, तो मैं यहाँ पे टमाटर ले ली हूँ, 5 टमाटर है, ये लहसुन है, लहसुन को अच्छे से छिलका उतार ली हूँ, और यहाँ पे अदरक डाल दी हूँ, और यहाँ देखिए 4-5 सूखी मिर्च ले रही हूँ, और तो सारे को मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पे मोमोज चटनी बना रही हूँ, तो ये अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है, और फिर मैं कढ़ाई चढ़ा ली हूँ, कढ़ाई चढ़ा हमारा गरम हो चुका है, मैं इसमें तेल डाल रही हूँ, और तेल डाल करके फिर इसको छौंक देना है, देखिए तो अच्छे से जितने भी है कितने अच्छे प्यारे कलर लग रहे हैं, ऐसे भी खा सकते हैं आप, बट मैं यहाँ पर है जो थोड़ा सा तड़का लगा लेती हूँ। तो ये चटनी जो है मेरी मम्मी को बहुत ही पसंद है, तो जब भी बनता है घर में तो मम्मी बोलती है थोड़ा ज़्यादा ही बनाना, क्योंकि मम्मी रोटी के साथ भी खाने में उसको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो यहाँ मैं पानी थोड़ा ऐड कर ले रही हूँ, तो यहाँ पानी ऐड कर ले रही हूँ, और फिर मैं इसको देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और इसको खौलाते रहना है चलाते रहना है, तो ये जब तक ये इसको मिलाते ही रहना ताकि कलर इसका फटे नहीं। तो हमारा यहाँ पे पूरे अच्छे से मैं इसको मिला रही हूँ, और जब ये हमारा खोल जाएगा तो कलर अच्छा आ जाएगा।
देखिए लग रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीनी ऐड कर ले रही हूँ क्योंकि खट्टा मीठा चटनी अच्छा लगता है। आप चाहे तो चीनी नहीं भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डाल ली हूँ और अच्छे से इसको खौला रही हूँ और चला रही हूँ, क्योंकि इसको चलाना मैं छोड़ दूँगी तो ये पकड़ भी लेगा और इसका कलर भी मतलब फट जाएगा। तो मैं इसको जब तक चढ़ाई हूँ तो गैस जो है फ्लेम तेज है देखिए हमारा, और यहाँ पे मैं इसको अच्छे से खौला दूँगी और यहाँ पे हमारा वॉयल भी हो रहा है देखिए, यहाँ पे बुलबुला दे रहा है, देखिए कलर कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही कलर अच्छा लग रहा है, देखने में प्यारा लग रहा है। मोमोज के देखिए हमारा पानी सूख गया है और ये हमारी चटनी जो है वो बनके रेडी हो चुकी है। तो आप भी इस तरह से टमाटर की चटनी बनाएं मोमोज के साथ खाने के लिए, या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। कितना प्यारा कलर लग रहा है। और यहाँ पे हमारा आटा गुथा चुका है और हम लोग चले इसको बेलने के लिए। तो मैं थोड़ा लोई ले ली हूँ, मेरी बहन बना रही है यहाँ पे, बेल रही है और इसमें भर लेगी। इसको अच्छे से पतले से बेलना है। देखिए यहाँ हमारा पतला सा जो बन के रेडी हो चुका है। थोड़ा इसको मैदा का है ना, तो थोड़ा बेलने में थोड़ा सा मेहनत होता है। तो यहाँ पे हम लोग भेज ले लिए हैं और अच्छे से इसको गूथ लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा अच्छे से गुथा रहा है, मेरी बहन इसको गूथ रही है अच्छे से, और ये हमारा गुथा करके देखिए रेडी हो चुका है। इसी तरह हम लोग सारे जितने भी मोमोज हैं बना लूँगी। और देखिए छोटे छोटे जो इसमें दिख रहे हैं वो मेरी बाबू के लिए है, और बड़े बड़े जो भी है हम लोग के लिए है। तो इसी तरह देखिए हमारा मोमोज सारा बनके यहाँ पे रेडी हो चुका है। और फिर मैं उधर पानी खौलने के लिए डाल दी थी किचन में, तो हमारा पानी भी बॉयल हो दे चुका है। और मैं इसमें जो चलनी होता है वो चलनी ले ली हूँ और डाल दी हूँ, और इसमें ऊपर से मैं तेल लगा दूँगी ताकि चिपके नहीं, जब भी मैं मोमो इसमें डालूँ तो ये चिपके नहीं, तो इसीलिए थोड़ा सा तेल मैं लगा दी हूँ इसमें। देखिए आप भी इस तरह से बना ले, अगर आपके पास स्टीम हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। तो एक एक करके मैं सारा ही डाल दे रही हूँ, और देखिए बाबू का छोटा छोटा मैं डाल दी हूँ यहाँ पे सारे में डाल के, और फिर मैं इसको अच्छे से ढक दूँगी। करीब इसमें 10 तो आ ही जाएंगे छोटा छोटा, बट यहाँ पे बड़ा बड़ा है, 9 तो हो चुके हैं, तो 10 मैं सही बोली थी, इसमें यहाँ पे 10 आ जाएंगे। तो अच्छे से इसको ढक दी हूँ और थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूँगी। और देखिए फिर हमारा यहाँ पे मोमोज बन के रेडी हो चुका है, कितना अच्छा आ गया देखिए, बन के रेडी हो चुका है। तान बिटिया रानी के लिए मैं मोमोज रेडी कर चुकी हूँ, ये देखिए मैं चली उसको खाने के लिए देने। बेटू ये यहाँ पे कितने मजे लेके ये चख रही है, इसी का फेवरेट है, यही जिद की थी इसीलिए बनाई हूँ, ये देखिए मोमो, और बोल भी रही है बिटू। और देखिए ये काजल को अपना कितना फैला लिया है, नानी काजल कर दी थी, पूरा भूतनी बन गई है। बेस्ट लग रहा है, बताओ ऐसे बेस्ट लग रहा है, कैसा लग रहा है, ऐसे दिखाओ, ऐसे बिटू ऐसे बेस्ट दिखाओ, कैसा लग रहा है, ये देखिए बोल रही है, ऐसे दिखाओ। वाओ थैंक यू मासी, अच्छा बनाई है, मासी को बोलो थैंक यू मासी, बेटू बोलो तो थैंक यू मासी, बेटू पूछा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरी बहन मतलब पुच्चा की मौसी जो है वो पुच्चा के लिए मास्क बना रही है, यहाँ पे देखिए खुद से हाथों से बना रही है वो मास्क, क्योंकि वो बाहर निकलती है, तो बाहर नहीं मतलब ग्राउंड में जाती है
तो इसी तरह चली जाती है, तो इसीलिए वो सोची उसका पहले से मांस था तो लगता है कहीं खो गया है, तो इसीलिए देखिए ये अपने हाथों से बना रही है क्योंकि मार्केट तो खुली नहीं है जो खरीद के लेके आएगी। फाइनली मेरी बेटी का मास्क बनके रेडी हो गया है और मेरी बेटी देखिए अभी तो सो गई है, कल सुबह उठेगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लगा के दिखा दूंगी। सो देखिए कैसा लगा ये ना घर का दूसरे मास्क का ये जो था ना, मतलब अच्छा। न्यू मास्क ही था वो बड़े आदमी का था तो उसी का लगा दिए हैंगे क्योंकि मेरे पास पिता नहीं था इसलिए। और ये कॉटन, ये कॉटन कपड़ा घर का था, ब्लाउज पीस था जो मम्मी यूज नहीं कर रही थी और कॉटन है, सॉफ्ट है तो खुद से इसे मैं बना दी हूँ। तो ये देखिए उसकी नेहा मौसी ने बना करके रेडी कर दिया है क्योंकि बाबू जो है ना नीचे खेलने जाती है, तो खेलने जाती है तो अच्छा नहीं लगता है ना बिना मास्क का, अच्छा इसीलिए बना दी। तो हम लोग चले अब खाने, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। और अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज जितना हो सके शेयर कीजिए। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, ओके टेक केयर, गुड नाइट।